Hello everyone, welcome to Byju's exam prep. Hope you guys are fine. So welcome again. और आज हम daily dose में बात करने वाले हैं question of the day की और question of the day होने वाला है topic activated slurge process से. So guys, why to wait? Let's start. उससे पहले मैं कुछ जानकारी आपको बता दूं. That is, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो जान जाइए. नेक्स्ट डेली डोज हो रहा है सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए. या तो उस सेशन में आपको 4 से 5 मिनट में एक क्वेश्चन या फिर कंसेप्ट बताया जाएगा. ठीक है, तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन. एएसपी इसलिए लिया क्योंकि इससे हर साल कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं गेट एग्जामिनेशन में. मोर ओवर फॉर्मूलाज के साथ कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये भी जरूरी है. और ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करके आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूलेज यूज करने पड़ेंगे. सो इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में. पहले आप लोग पढ़ लो, जब तक फिर मैं भी सॉल्व कर देती हूँ इस क्वेश्चन को. ओके So, इस क्वेश्चन में बोला एक कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्लांट है जो डिजाइन किया गया 30 एमएलडी वाटर को ट्रीट करने के लिए. 30 एमएलडी मतलब 30 × 10⁶. मैं एक बार व्हाइट कलर का पेन ले लेती हूँ. इसको क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, एक सेकेंड. हाँ, 30 एमएलडी 30 × 10⁶ लीटर्स पर डे होता है. अब बीओडी जो है वो कितना आ रहा है, बीओडी इज कमिंग आउट टू बी 260 mg/L. इतना बीओडी जा रहा है. ठीक है, इतना बीओडी जा रहा है. और जो बीओडी बाहर निकल कर आ रहा है एफ्लुएंट बीओडी, वो दिया आपको 20 mg/L. अगर एफ बाय एम रेशियो है 0.21 डे इनवर्स और एमएलएसएस कंसेंट्रेशन जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं, जो इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताता है, वो है 3200 mg/L. तो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम बताओ. अब अगर समझ में ना आए कभी भी क्वेश्चन तो उल्टा स्टार्ट करो. उल्टा मतलब क्या पूछा गया, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम. एचआरटी शॉर्ट में लिख देते हैं. ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज. अब डिस्चार्ज तो मुझे पता है, कहीं भी क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया. वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए ही उसने हमें फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेशियो दिया. कितना फूड आया, 1 लीटर में 260 mg का आपका ऑर्गेनिक मैटर था, तो 30 mld में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो इनटू 260 mg/L. अगर 1 लीटर में 3200 mg के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे. वॉल्यूम पता नहीं इसलिए सिर्फ पी लिख दिया. एफ बाय एम रेशियो मुझे पता है कितना है, ये 0.21 है. सो अगेन 30 × 10⁶ लीटर्स पर डे इनटू 260 mg/L डिवाइडेड बाय 3200 mg/L इनटू वॉल्यूम. इसमें सब कट जाएगा, आपको mg/L कट जाएगा. यहाँ पर ये पर डे है, सिर्फ आपको वॉल्यूम मिलेगा लीटर्स में. तो जो वॉल्यूम आपको मिलेगा लीटर्स में उसको हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे. तो फटाफट कर देते हैं. तो यूनिट्स को ना पहले कन्वर्ट मत किया करो, और मेरी मानो तो जैसे मैं हमेशा बाजू में लिखती हूँ वैसे लिखा करो, ताकि यूनिट्स में होने वाली मिस्टेक्स के चांसेस सबसे ज्यादा कम हो जाते हैं. तो इसको ना मैं डायरेक्टली 1000 से डिवाइड करके मीटर क्यूब में बताती हूँ. ये आ रहा है 11607.14 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया. बस अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, 7.14 मीटर क्यूब. और डिस्चार्ज है 30 × 10⁶ लीटर्स पर डे. अगर मुझे इसको मीटर क्यूब में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10⁻³. तो ये क्या हो जाएगा, 30 × 10�³ मीटर क्यूब पर डे. सो ये होगा 30 × 10�³ मीटर क्यूब पर डे. ठीक है, तो अगर मैं इसको 30 × 10�³ मीटर क्यूब पर डे करती हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 0.386 डे आएगा. और मुझे चाहिए है आवर में, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 9.285 आवर्स. दैट इज 9.29, सिंपल. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली एक फॉर्मूला यूज नहीं किया, तभी एक्चुअली डेज में अगर आप हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम निकालते हो वो बहुत छोटा निकल के आता है. इसलिए आप कई बुक्स में देखोगे कि वो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम v by q into 24 आवर्स कर देते हैं. उसका रीजन यही है क्योंकि डे में जो वैल्यू निकल के आती है वो डेसिमल्स में निकल के आती है, इसलिए डे को कन्वर्ट करने के लिए वो पहले ही 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो आप रट लेते हो फॉर्मूला v by q into 24. इसीलिए आप फॉर्मूला को ना रटे, सिंपल कंसेप्ट से जाए. मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया.
ऐसे ही और मजेदार क्वेश्चंस के लिए आप डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको और क्या क्या चीजें चाहिए है डेली डोज के अलावा, कौन से टॉपिक्स पे सेशंस चाहिए है। योर फीडबैक इज मोस्ट वेलकम। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।